जी हाँ दोस्तों, इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच आज खेला जाना है तीसरे दिन का खेल। पहले और दूसरे दिन के बाद तो तस्वीरें लगभग साफ हो चुकी हैं कि किस तरीके से टीम इंडिया इस पूरी सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से ही उतरी है। और रोहित शर्मा कप्तान एक ऐसे कप्तान है जो बड़ी कंजूसी के साथ किसी और टीम के साथ जीत शेयर करना ही नहीं चाहते, यानी वो नहीं चाहते कि सामने वाली टीम उनकी कप्तानी के अगेंस्ट जीत के दिखाए। न्यूजीलैंड का सूपड़ा साफ किया, उसके बाद वेस्ट इंडीज़ को निशाने पर लिया, फिर श्रीलंका को टी20 में तीनों मुकाबले हराए। लेकिन अब टेस्ट की बात करें तो टेस्ट में भी दोस्तों पहली पारी के दौरान ही टीम इंडिया ने मोहाली के मैदान पर 574 रन बना दिया 8 विकेट के नुकसान पर जडेजा की शतकीय पारी के बदौलत। और वहीं दूसरी तरफ ऋषभ पंत ने 96 रन बनाए थे, 4 रन दूर रह गए थे अपने शतक से, आउट हो गए। लेकिन अब तीसरे दिन का जो खेल है वो काफी अहम रहने वाला है श्रीलंका के नजरिए से। श्रीलंकाई बल्लेबाजी, श्रीलंका के खिलाड़ी पथुम निशांका, चरिता सलंका, काफी कुछ दारोमदार होगा इन दोनों बल्लेबाजों पर कि कैसी बल्लेबाजी करते हैं। लेकिन भारतीय गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन, जयंत यादव और रविंद्र जडेजा, इनको कैसे बोल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये अभी अपनी फिरकी में फंसाएंगे। 4 विकेट तो कल तो डेढ़ सेशन के अंदर ही गिरा दी थी और अभी तो यहाँ पर अभी पूरे 3 दिन का खेल बचा है, तो जरूर दोस्तों फॉलो ऑन करने के लिए मजबूर करेंगे यहाँ पर भारतीय टीम। ऐसा लग रहा है कि टीम श्रीलंका 200-250 के अंदर ही कहीं ना निपट जाए। जब 108 रन के अंदर 4 विकेट खो सकते हैं तो बचा जो पहला सेशन होता है आज के दिन के खेल का वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उसमें तेज गति गेंदबाज, जैसे दोनों दिन के खेल की बात करें तो लहिरू कुमारा और लखमल को देखा था, दोनों ने भारतीय बल्लेबाजों को फंसाए रखा था। लेकिन भारतीय बल्लेबाज तो कुछ अलग ही माइंड सेट के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, वो रुकने का नाम ही नहीं लिए। शुरुआत पहले दिन में मयंक अग्रवाल और रोहित शर्मा ने की थी, दूसरे दिन में रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा ने बहुत अच्छी शुरुआत की थी। लेकिन अब चरित असलंका और पथुम निशांका पर निर्भर करेगा तीसरे दिन का खेल कि ये कितनी आगे तक खेल को लेकर जाते हैं। मोहाली के मैदान की बात करें दोस्तों तो शाम का समय है, ओस गिरी है। अब सुबह जो होगी, सुबह धूप तो निकल जाएगी लेकिन जिस समय मैच शुरू होगा उतने समय तक थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं ओस फैक्टर रहता ही रहता है। तो ऐसे में शुरुआत शायद तेज गति गेंदबाजों से हो, लेकिन एक छोर से स्पिनर को भी लगाए रखेंगे रोहित शर्मा। आज के दिन के खेल पर दोस्तों अभी तक जो श्रीलंका पिछड़ रही है यहाँ पर बड़े मार्जिन से पिछड़ रही है, और ऐसे में पहले उस मार्जिन को कवर करना चाहेगी श्रीलंका की टीम। 466 रन, 466 एक बड़ा स्कोर होता है दोस्तों। अगर पहली इनिंग के दौरान यहाँ पर 350 या करीब 450 बना देती है टीम इंडिया की, टीम श्रीलंका 2 सेशन या फिर 3 सेशन बल्लेबाजी कर लेती है तो इनके लिए ही अच्छी बात रहने वाली है। फिर टीम इंडिया सेकंड इनिंग बल्लेबाजी करने उतरेगी। अगर टीम इंडिया ने इनको करीब 300 पहले ही रोक दिया तो शायद फॉलो ऑन करने के लिए मजबूर करे टीम श्रीलंका को। लेकिन श्रीलंका की अगर बैटिंग लाइनअप की तरफ अब नज़र डालें तो शुरुआती इनको 4 झटके बहुत बुरे तरीके से लगे। कप्तान दिमुथ करुणारत्ने सिर्फ 28 रन बनाकर आउट हो गए 71 गेंदों में, वहीं लहिरू थिरुमाने 60 गेंदों में 17 रन बनाकर आउट हुए। पथुम निशांका 75 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट अभी खड़े हैं। एंजेलो मैथ्यूज से ज़्यादा उम्मीद थी, एक्सपीरियंस बल्लेबाज हैं और एंजेलो मैथ्यूज 35 साल के होने वाले हैं, 34 वर्षीय खिलाड़ी हैं, 93 टेस्ट खेल चुके हैं, 166 पारियों में 6,360 रन इनके नाम है और 200 इनका हाईएस्ट स्कोर है, 11 शतकीय पारी और 37 अर्धशतकीय पारी। तो लेकिन ऐसे में जब ये बुमराह के सामने नहीं टिक पाए तो यहाँ पर और क्या ही करेंगे। बुमराह ने इनको 22 रन पर इनके निजी स्कोर पर चलता कर दिया। एंजेलो मैथ्यूज का जब विकेट गिरा तो टीम श्रीलंका का स्कोर 96 रन था। यह टेस्ट मैच की बात चल रही है, इसमें काफ़ी आगे जाना चाहिए था एंजेलो मैथ्यूज को, लेकिन वो कमाल नहीं कर पाए। धनंजय डिसिल्वा से तो और भी ज़्यादा उम्मीद थी दोस्तों। धनंजय डिसिल्वा की बात करें तो 30 वर्षीय ये खिलाड़ी 39 टेस्ट खेल चुका है, 69 इनिंग्स के दौरान 2,473 रन इनके नाम है, एवरेज इनका 38 का है और स्ट्राइक रेट इनका 56 का रहता है, हाईएस्ट स्कोर इनका 173 है। लेकिन टीम इंडिया के सामने और खासकर अश्विन के सामने टिक पाना बहुत मुश्किल था। तो 8 गेंद खेली थी, एक ही रन बनाया था और चलता कर दिया था दूसरे दिन के तीसरे सेशन के दौरान। चरिता सलंका 12 गेंदों में 1 रन बनाकर खड़े हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि रोहित शर्मा अश्विन पर पूरा भरोसा जता रहे हैं, उनको लगातार गेंद दे रहे हैं। अश्विन का इस सीरीज में जुड़ना पहले तो स्क्वाड में रखा गया था लेकिन इंजरी की वजह से सवाल या निशान थे कि अश्विन खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। लेकिन 2 दिन पहले खबर सामने आती कि अश्विन पूरी तरीके से फिट हैं और वो खेलेंगे, तो ये श्रीलंका के लिए सबसे बुरी बात थी। और दूसरी तरफ बात करें दोस्तों तो जो इनके सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं इस समय, इस फॉर्मेट की बात की जाए, टेस्ट, टी20 और ODI, हर तीनों ही फॉर्मेट का एक ना कैसे खिलाड़ी होता है। जैसे भारतीय टीम से ही ले लें तो रविंद्र जडेजा तीनों ही फॉर्मेट में बेस्ट है, वैसे ही दोस्तों इनकी बात करें तो वानिंदु हसरंगा इनके पास है, लेकिन वानिंदु हसरंगा कोविड पॉजिटिव पाए गए थे जिसकी वजह से इनको इस सीरीज से बाहर कर दिया गया था। क्वारंटाइन पीरियड ये कंप्लीट कर सकते थे लेकिन शायद श्रीलंका की टीम का ये डिसीजन था कि इनको बाहर करना ही समय बेहतर होगा और इनको रेस्ट देना और भी ज़्यादा बेहतर होगा। तो दोस्तों वानिंदु हसरंगा को यहाँ पर रेस्ट दिया गया लेकिन यहाँ पर अब कमी खल रही है। वानिंदु हसरंगा होते तो शायद यहाँ पर कुछ और हमें नज़ारा देखने को मिल सकता था, एक अतिरिक्त स्पिनर
बेहतर होता। इसके साथ एक अतिरिक्त बल्लेबाज भी श्रीलंका की टीम के पास होता। तो ये तो दोस्तों अभी तक ये आज तीसरे दिन के खेल पर हमें देखने को मिलेगा किस तरीके से टीम श्रीलंका अपनी इज्जत बचाने के इरादे से जरूर उतरेगी। बड़े मार्जिन से वो फॉलो ऑन का पीछा करने तो बिल्कुल इरादे से नहीं आई है। श्रीलंका के कप्तान दिमुथ करुणरत्ने ने ऐलान किया था कि हम इतिहास बनाने आए हैं, लेकिन शायद वो इतिहास बनते नजर आ रहे हैं। और रविंद्र जडेजा ने जिस तरीके से दूसरे दिन बल्लेबाजी करी उससे तो उनके नाम बड़ा इतिहास सेट हो चुका है। नंबर 7 पर बल्लेबाजी करते हुए अगर बात करें उससे निचले क्रम पर, तो मतलब किसी बल्लेबाज ने इतने रन कभी बनाए नहीं। और उस बल्लेबाज ने तीन तीन पार्टनरशिप शतकीय पार्टनरशिप की। ऋषभ पंत के साथ पहले 103 रन की पार्टनरशिप थी, 104 रन की। उसके बाद सातवें विकेट के लिए उन्होंने अश्विन के साथ 130 रन की पार्टनरशिप की। फिर उसके बाद आठवें विकेट के लिए उन्होंने 103 रन की नाबाद पार्टनरशिप शमी के साथ की, जिसमें शमी के सिर्फ और सिर्फ 20 रन थे। तो रविंद्र जडेजा ने इतिहास बना दिया है तो श्रीलंका के कप्तान कहते रहेगा और भारतीय खिलाड़ी करके दिखा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रविंद्र जडेजा दोस्तों तोड़ दिए हैं रिकॉर्ड कपिल देव का। 1986 में श्रीलंका के खिलाफ लोअर ऑर्डर में बैटिंग करते हुए कपिल देव ने 163 रन बनाए थे, लेकिन रविंद्र जडेजा ने इसी लोअर ऑर्डर में सातवें नंबर पर खेलते हुए 175 रन बना दिए हैं। तो ये बड़ा रिकॉर्ड दर्ज हो गया रविंद्र जडेजा के नाम पर। और वहीं दूसरी तरफ बात करें, गॉड ऑफ ऑनर सम्मानित किया गया विराट कोहली को, जो भारतीय टीम के पूर्व कप्तान थे। 16वां टेस्ट है और ऐसे में बल्लेबाजी करने आए थे उससे पहले, भारतीय टीम बल्लेबाजी करने आई थी उससे पहले राहुल द्रविड़ ने उन्हें एक मोमेंटम दिया था, तो वो बहुत बड़ा एक रेयर मोमेंट था उनके लिए। लेकिन इसके बाद जब टीम इंडिया फील्डिंग करने के लिए आ रही थी तो गॉड ऑफ ऑनर से उनको सम्मानित किया गया, जहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में दोनों तरफ प्लेयर खड़े हैं, बीच में से विराट कोहली आ रहे हैं और काफ़ी चुलबुले अंदाज में नजर आए थे और रोहित शर्मा को गले से भी लगाते नजर आए। ये काफ़ी कुछ दिखा रहा है कि रोहित और कोहली के बीच सब कुछ ठीक भी है। और जिस तरीके से ये पारी खेली है टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने, रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया का फ्यूचर और भी ज़्यादा ठीक है। कहीं ना कहीं चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे को बैठाने का जो फैसला था सही साबित हो रहा है, क्योंकि हनुमा विहारी ने भी एक अर्धशतकीय पारी खेली। सुरेश अय्यर भी दोस्तों जरूर दूसरी पारी के दौरान कोशिश करेंगे बड़ी पारी में अंजाम करने की अपनी इस छोटी पारी को। तो ये था दोस्तों पहले दिन का जो दूसरे दिन का खेल का मिक्सअप, और तीसरे दिन आज की क्या उम्मीद रख सकते हैं आप ही कमेंट में अपनी राय रखिए। क्या श्रीलंका की टीम दोस्तों फॉलो ऑन का संकट इन पर मंडरा रहा है? बिल्कुल मंडरा रहा है दोस्तों, श्रीलंका की टीम पर फॉलो ऑन का संकट बिल्कुल मंडरा रहा है। आपको बता दें टीम इंडिया ने पहले दिन ही 357 रन जोड़ लिए थे, तो पहले दिन की पारी टीम इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर रही। उसमें ऋषभ पंत को पूरा श्रेय जाता है, लेकिन दूसरे दिन इसी पारी को दुगना कर दिया रविंद्र जडेजा ने। 25 रन दूर थे अपने दोहरे शतक से, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा ने पारी को डिक्लेयर किया। ये ध्यान में रखते हुए कि इंडिविजुअल पारी मैटर नहीं करती, टीम इंडिया की जीत हार मैटर करती। अगर यहां से दूसरा दिन भी पूरी टीम इंडिया बल्लेबाजी कर जाती तो टीम इंडिया के लिए ही मुसीबत खड़ी होती, क्योंकि बचे तीन दिन में ये टेस्ट जीत पाना बहुत मुश्किल होता, क्योंकि श्रीलंका के पास भी बैटिंग लाइनअप है। जैसा कहा कि टेस्ट है, कोई भी 10वें नंबर तक कोई भी खिलाड़ी कभी भी बल्ले से कमाल दिखा सकता है, तो ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट रहता है। अब आपको बता दें किस तरीके से भारतीय टीम से सबसे बड़ा स्कोर रविंद्र जडेजा ने बनाया 175 रन का, वहीं विराट कोहली 45 रन की पारी खेले थे, रोहित शर्मा 29 रन की 28 गेंदों में, मयंक अग्रवाल 33 रन बनाए थे, 96 रन ऋषभ पंत ने, सुरेश अय्यर ने 27, अश्विन ने 82 पर 61 और 18 पर 2, जयंत यादव ने 34 पर 20, शमी बनाकर नाबाद रहे। दो दो विकेट दोस्तों लखमल, विश्व फर्नांडो और एम्बल दुनिया ने चटकाई थी, एक विकेट लहिरू कुमारा ने। श्रीलंका टीम बल्लेबाजी करने उतरी 108 रन 4 विकेट के नुकसान पर है। प्रथम निशांका 26 रन बनाकर नाबाद है, उनका साथ दे रहे चरित असलां का। करुणारत्ने, लहिरू थिरिमाने, एंजेलो मैथ्यूस और धनंजय सिल्वा जल्दी आउट हो गए हैं। तो अब उम्मीद करते हैं कि यहाँ से श्रीलंका की टीम और बड़ा स्कोर करे और यहाँ से जल्दी आगे जाए, ताकि फॉलो ऑन ना देखने को मिले टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच। ये पहला टेस्ट काफ़ी टक्कर का हो, दूसरा बेंगलुरु के मैदान पर होना, उससे पहले ये टेस्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग करना है। तो श्रीलंका के हाथ में ही है, अपनी इज्जत अपने हाथ में ही श्रीलंका के। यहाँ से कितना बड़ा एक स्कोर लेकर चलती है श्रीलंका की बल्लेबाजी कितनी देर तक टिक पाती है भारतीय गेंदबाजों के सामने, अब ये सब कुछ श्रीलंका पर ही निर्भर करता है। लेकिन भारतीय गेंदबाजों की तारीफ अगर करें तो दूसरे दिन के खेल में ही दोस्तों जो शुरुआत के करीब टीम श्रीलंका ने बल्लेबाजी करी 43 ओवर तक, वहां पर दो विकेट अश्विन ने चटकाई है 13 ओवर के अंदर, 7 ओवर मेडन डालते हुए 21 रन दिए हैं, लेकिन दो विकेट अभी तक चटका ली है। अश्विन के करियर की बात करें दोस्तों तो 35 वर्षीय यह खिलाड़ी है, टेस्ट इनका 85वां है, 121 इनिंग में 2905 रन भी बनाए हैं, 5 शतक भी इनके नाम है, 337 इन्होंने चौके भी लगाए हैं। विकेट की बात करें तो विकेट इन्होंने 85 मैचेस की 159 पारियों में गेंदबाजी करते हुए इन्होंने करीब 432 विकेट चटकाए हैं, तो ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। शेन वॉन दोस्तों आप जानते हैं किस तरीके से दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, तो मतलब इन सब खिलाड़ियों से ही सीखकर रविचंद्रन, अश्विन, जडेजा, जयंत यादव ने काफ़ी बेहतर अपनी स्पिन को कर लिया है, तो श्रीलंका का टिक पाना इनके सामने बहुत ही मुश्किल है। तो तीसरे दिन की खेल की शुरुआत दोस्तों आप कुछ ही देर में देखेंगे लाइव स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार ऐप पर। और क्या लगता है श्रीलंका को फॉलो ऑन करना पड़ेगा या भारतीय टीम इस मुकाबले को
मतलब रैप अप कर देगी जल्दी से जल्दी फॉल ऑन के साथ ही। एक इनिंग से जीत पाएगी या नहीं अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। ऐसी और लेटेस्ट अपडेट के लिए, पूरे दिन की अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।